हेलो दोस्तों, तो देखिए आज हम इसी पिक को एडिट करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए इस फोटो का हम शेयर कर लेंगे अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में। ये देखिए मेरा स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन हो रहा है और टूल्स पे क्लिक करके और सेलेक्टिव पे क्लिक करके जहाँ जहाँ पर चेहरा पर ब्लैक है वहाँ पर ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। देखिए जहाँ जहाँ के आपके चेहरे पर ब्लैक है वहाँ पर ब्राइटनेस को बढ़ा देना है और फिर से टूल्स पर क्लिक करके और सेलेक्टिव पर क्लिक करके और टी शर्ट पर थोड़ा बढ़ा देंगे और फिर से सेलेक्टिव पर क्लिक थोड़ा बाल पे बढ़ा देंगे हम इसको। देखिए और टूर्नामेंट पर क्लिक करके थोड़ा ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, कॉन्टेस्ट को थोड़ा कम कर देना है, सेचुरेशन और एम्बिस को थोड़ा बढ़ा देना है, हाईलाइट को कम करके और शेडो को बढ़ा देना है। इस फोटो को शेयर कर लेना है अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। ये देखिए मेरा लाइटरूम एप्लीकेशन ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए मेरा लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, ओपन हो गया और ऑल फोटो पे क्लिक करके और देखेंगे कि मेरा इमेज कहाँ गया। देखिए मेरा ऊपर में मेरा इमेज आ चुका है। देखिए अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और देखिए यही पिंटरेस्ट है जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। थोड़ा लोडिंग हो रहा है देखिए, और ये दोनों को ऑन करके सही किचन पर क्लिक करके बैक जाना है और अपने पिक पे जा करके और थ्री डॉट पे क्लिक करके और इसको पेस्ट सेटिंग कर देना है। देखिए अभी हमारा फोटो कुछ वन क्लिक में देखिए थोड़ा लोडिंग ले रहा है। पेस्ट सेटिंग करने के बाद देखिए वन क्लिक में कितना अच्छा फोटो एडिट हो गया। और कलर पर जा करके थोड़ा रेड टोन है तो मिक्स पर क्लिक करके और रेड टोन को थोड़ा कम कर देंगे। देखिए और सेचुरेशन को थोड़ा माइनस में कर देंगे। देखिए हमारा रेड टोन हट गया। देखिए कितना अच्छा हमारा फ़ोटो एडिट हो गया वन क्लिक में दोस्तों। डन पे क्लिक करके और देखिए इस फोटो को हम शेयर कर लेंगे अपने ऑटोडॉक्स एप्लीकेशन में, स्केचबुक में। ये देखिए थोड़ा लोडिंग हो रहा है और वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए और स्केचबुक मेरा ओपन हो गया है और इस पर देखिए और इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और आप लोगों को भी यही देखिए ब्रश दिखा दे रहा हूँ। देखिए यही ब्रश आप लोगों को रख लेना है साइज, इसी साइज अपने अनुसार रख के और इन दोनों को अपने जैसे मैं रखा हूँ वैसे रख लीजिएगा। और देखिए चेहरे पे अपने ब्रश करना, देखिए कितना अच्छा से स्मूथ हो रहा है मेरा पिक। देखिए आप लोग भी कुछ इसी तरह से कर लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा से स्मूथ मेरा पिक हो रहा है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए कितना अच्छा स्मूथ हो रहा है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए कितना अच्छा से मेरा पिक स्मूथ हो रहा है। देखिए कि आप लोग भी अच्छी तरह से अपने चेहरे को स्मूथ कर लीजिएगा ताकि अच्छे से हो पाए। ये कितना अच्छा से स्मूथ हो रहा है मेरा पिक। देखिए गर्दन पे भी हम लोग अच्छे से कर लेते हैं स्मूथ। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, वीडियो का स्किप नहीं कीजिए नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। देखिए कितना अच्छा से हमारा पिक स्मूथ हो रहा है स्केचबुक एप्लीकेशन से। देखिए थोड़ा कान पे भी मार लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए देखिए कितना अच्छा से फोटो को हम सेव कर लेंगे। देखिए मेरा फ़ोटो को सेव कर लेते हैं और इस फोटो को अब हम शेयर करेंगे अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। ये देखिए मेरा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, मेरा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन हो गया है। देखिए इसको अलाउ कर देते हैं और देखिए एफएक्स पे जा करके और इसको कलर वाले पे जा करके कलर रिफ्लेस पे क्लिक करके और अपने बैकग्राउंड पर रख देना है कहीं भी। देखिए जो कलर आप लोगों को अच्छा लगे वो कलर कर लीजिएगा, मैं यही कलर रखूँगा। इस फोटो को देखिए यही कलर मैं सेव कर लेता हूँ और ऐड फोटो पर क्लिक करके एक दो पीएनजी ऐड कर लेता हूँ आप लोग को, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ये पीएनजी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और ब्लेंड पे क्लिक करके और स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए और कुछ इस तरह से अपने पिक पर एडजस्ट कर लेना है। देखिए डुप्लीकेट ले लेते हैं, देखते हैं अच्छा नहीं लग रहा है इसको। देखिए कितना अच्छा से हो गया। और देखिए इस फोटो को हम टूल्स पे क्लिक करके स्केच पे थोड़ा बाल को हम बड़ा कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा से हमारा
पाल कितना अच्छा से बड़ा हो रहा है देखिए। और इस फोटो को सेव कर लेंगे और फिर से टूल्स पे क्लिक करेंगे, देखिए नहीं इस फोटो को हम सेव कर लेते हैं। ब्रश पे क्लिक कर थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर लीजिएगा।